बोलेरो गाड़ी को पिस्तौल एवं चाकू की नोक पर लूट करने व बोलेरो चालक के साथ मारपीट कर उसे वहीं पटक देना है। वहीं उसी रात्रि को धोरीमना नेशनल हाईवे नंबर 68 स्थित थार केसरी पेट्रोल पंप पर दो सेल्समैनों के साथ मारपीट कर पिस्तौल व चाकू की नोक पर अज्ञात मुजरिमानों ने दो मोबाइल फोन, एक टैबलेट व 38,200 रुपये लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने दोनों मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ही वारदातों को इन 5 मुजरिमानों ने अंजाम दिया है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाडखा के पास बोलेरो लूट और सदर थाना क्षेत्र के जाखड़ों की ढाणी स्थित पेट्रोल पंप पर 3 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि दो अज्ञात आरोपी चामुंडा चौराहे से बोलेरो किराए पर ले गए। कुछ दूरी पर एक अन्य युवक भी गाड़ी में सवार हुआ। भाटका के पास तीनों आरोपियों ने लदुशंका जाने की बात कहकर बोलेरो गाड़ी को रुकवाया और पिस्तौल और चाकू की नोक पर बोलेरो लूट कर ले गए, जिसका मुकदमा ग्रामीण थाने में धारा 323, 394, 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुआ। इसके बाद इन तीनों आरोपियों और उनके दो अन्य सहयोगियों ने जाखड़ों की ढाणी पेट्रोल पंप पर दो सेल्समैन के साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर दो मोबाइल फोन, एक टैबलेट और 38,200 रुपये की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने लूट के दोनों बसी लूट के मामले में पाबूबेरा भीमथल निवासी मगाराम पुत्र भूरा राम जाट, रवि कुमार पुत्र हीरोलाल ठाकुर निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, रमेश कुमार पुत्र जोगाराम जाट निवासी नवातला राठौड़ान धोरीमिना, सत्यपाल उर्फ सतपाल पुत्र ठाकराराम बिश्नोई मिठला खुर्द धोरमिना और रत्नाराम पुत्र फूसाराम जाट निवासी कपूरडी हाल निवासी मोहनगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इन 5 मुलजिमानों के अलावा मनीष उर्फ राकेश पुत्र पद्माराम जाट निवासी प्रतापनगर ओशिया जिला जोधपुर भी इन वारदात में आरोपियों से पूछताछ में सहयोगी पाया गया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर टीमें लगा रखी है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। करते हुए तकनीक के आधार पे और अन्य सुराग रसी करते हुए SHO कल्याणपुर ने एक अभियुक्त को उदयपुर से दस्तयाब किया। उससे फिर अन्य व्यक्तियों के नाम पता चले और 3 व्यक्तियों को धौरीमना से, 1 को जैसलमेर से भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों के नाम हैं मगाराम सन ऑफ भूरा राम, पाबूबेरा भीमथल धोरीमना, रवि कुमार पुत्र होरीलाल, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये अच्छा हुआ अभी पकड़ में आ गए, फिरोजाबाद ए उत्तर प्रदेश, रमेश कुमार जोगाराम धोरीमना, सत्यपाल ठाकराराम मीठा खुर्द धोरीमना, रत्नाराम कपूरडी हाल मोहनगढ़। 1 व्यक्ति अभी गिरफ्त में नहीं आ पाया, मनीष उर्फ राकेश, इसके पीछे भी अभी टीमें गई हुई हैं। ओसिया जोधपुर का है, इसके पीछे अभी टीमें गई हुई हैं। आशा करते हैं ये जल्दी गिरफ्त में आएगा। इसमें हमारी तकनीकी टीम और ग्राउंड पे करने वाली ये सभी टीमें बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वापस से ये मामला बिल्कुल अज्ञात था, सनसनीखेज था। 20 चौराहे से एक बोलेरो को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद 400 किलोमीटर कम से कम ये घूमते रहे पूरी रात में, एक पेट्रोल पंप को लूटते हैं और एक अन्य वारदात जालौर जिले में भी करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार दोनों वारदातों के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जेतावत, बाड़मेर वृत्ताधिकारी आनंद सिंह राजपुरोहित, सदर थानाधिकारी अनिल कुमार, ग्रामीण थानाधिकारी परबत सिंह, कल्याणपुरा थानाधिकारी कैलाश दान समेत साइबर सेल की टीम का गठन किया गया था। सभी ने टीम वर्क करते हुए तकनीक सहायता CCTV फुटेज और मुखबिरी की मदद से दोनों वारदातों के खुलासे में सफलता हासिल की। SP ने सभी टीमों को बेहतरीन टीम वर्क की बधाई भी दी। पेट्रोल पंप लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में धारा 395 भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।